गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन। पिछले लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन के 18.9 एक्सरसाइज को कर रहे थे। हम लोगों ने 18.9 एक्सरसाइज को करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट की जरूरत थी वो कॉन्सेप्ट हमने देखा और उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमने 10 क्वेश्चंस किए थे एज अ एग्जांपल। आज उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड यानी एक्सरसाइज 18.9 का ही आगे के कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस और भी अच्छे लेवल के एग्जांपल्स को हम लोग करेंगे और तब जाके अगर टाइम मिला तो 18.10 के क्वेश्चंस पे भी हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। जहां तक एग्जामिनेशन की बात है, मैंने बोला था कि जैसे ही 18.10 खत्म होगा हम लोग अपना टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे एंड आई होप आप उस टेस्ट को देने के लिए तैयार होंगे। अच्छे से उसको बनाते रहिए। बस एक एक्सरसाइज के बाद हम लोग अपना इंटीग्रेशन का एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं। तो चलो बिना देर किए आप लिखिए प्रेजेंट सर लाइव चैट में, तो लाइव चैट में, और अगर मन है तो कमेंट में भी लिखो, जहां मन वहां लिखो, लाइक करो। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के जर्नी को आराम आराम से, धीरे धीरे से। तो बच्चों आज का जो पहला क्वेश्चन है, जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो देखो क्या कहता है। आज का पहला क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब बताओ, मैंने कल ही बताया था कि जिस फंक्शन के ऊपर पावर है उसको बिना सोचे समझे टी मान सकते हो, बिकॉज वही हमारा आंसर में आएगा। समझ रहे हो बात को? तो टेन एक्स और सेक एक्स में से ये बताइए पावर किस पे है। तो अगर देखा जाए ना सर, तो पावर तो सेक क्यूब एक्स पे है। तो भाई साहब हम टी किसको मानेंगे? लेट टी बराबर सेक एक्स। सेक एक्स को फटाक से हम लोग को टी मान लेना है। जैसे ही टी माने, इसके बाद इसको डिफरेंशिएट भी तो करते हैं, हमें ये dx रिमूव भी तो करना है। तो जैसे ही हम टी मानेंगे हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, dt by dx लिख देंगे। और आप अच्छे से समझते हो कि dt by dx मेरे भाइयों sec x का होता है sec x into tan x। यहां से हमें dt को अगर इस चीज को इधर ले आए तो dt divided by sec x into tan x मेरे प्यारे जो क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। नहीं होने का तो सवाल ही नहीं है। dx की वैल्यू हो जाएगी dt डिवाइडेड बाय sec x इनटू tan x। बस dx को वहां पे रिप्लेस कर दीजिए, sec क्यूब x को sec क्यूब x रहने दो, उसके बाद tan x को tan x रहने दो, dx को रिप्लेस कर दो dt डिवाइडेड बाय sec x इनटू tan x। मेरे प्यारे बच्चों tan x कट जाएगा, sec x भी टक 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 हो जाएगा सर जी। तो ऊपर क्या बचेगा बताओ? ऊपर बचेगा sec स्क्वायर x dt। आपने क्या माना है sec x को? t। तो हमारा यहां क्या हो जाएगा? t स्क्वायर dt। अब आप ही बताओ t स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? t क्यूब बाय 3 प्लस c। अब t को आप क्या करोगे? sec क्यूब x बाय 3 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर चलाएगा। तो भाई कितना आसान क्वेश्चन था, जो मैंने कल बताया था कि जिस पे पावर हो उसी को टी मान लेना है, बस वही तो करना है। देखो फटाफट तुम्हारा आंसर चला गया, टक से इसका आंसर चला गया, है ना। अब टक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे हम लोग बढ़ाते हैं। टकाक से जल्दी से ले लो, फटाक से जल्दी से लो इसका, जल्दी से बिना देर के स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो बहुत बहुत बढ़िया, एकदम एपीजे अब्दुल कलाम बन जाओगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज के अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन काफी बेहतर है। अब जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स पे पावर 4 और यहां इंटीग्रेशन में dx है। अब बात आती है सर किसको हम माने t? भाई किसको t माने जिससे मेरा काम बन जाए? एकदम आसान है, आप क्या करोगे? लेट कर लोगे x पे पावर 4 इज इक्वल टू t।
जैसे ही x पे पावर 4 को t मानोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, हम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, जब dt by dx करेंगे तो 4x क्यूब मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोल भाई, एकदम मिलेगा, नहीं मिलने और सवाल ही नहीं है। अब dt by 4x क्यूब हो जाएगा dx। बोलो 100% होना है, नहीं होने का सवाल नहीं है। अब बस ऊपर क्वेश्चन में चले आइए। क्वेश्चन है x क्यूब इंटू साइन एक्स पे पावर 4 dx। सर जी x क्यूब को तो x क्यूब रहने दो, कुछ नहीं किया जा सकता। साइन को भी साइन रहने दो, कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन x पे पावर 4 को तो कुछ किया जा सकता है। x पे पावर 4 को t लिखा जा सकता है और dx को लिखा जा सकता है dt अपॉन 4x क्यूब। मेरे भाई x क्यूब कितना आसानी से कट गया, 1/4 बाहर आ गया इंटीग्रेशन के साइन से, हो गया साइन t dt। आपको पता है 1/4 वैसा ही रहेगा। साइन t का इंटीग्रेशन मेरे प्यारे बच्चों हो जाता है माइनस cos t। बोलो होता है कि नहीं होता है जी? अरे एकदम होता है ना सर, एकदम साइन t का cos t होता है। और यहां पे क्या लगाएंगे? प्लस c। तो अब आंसर क्या हो जाएगा? माइनस cos t के x पे पावर 4/4 प्लस c। ये हो गया मेरा फट से इसका आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है? एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है? चलिए बच्चों अब आगे जरा बढ़ जाते हैं हम लोग। इसका भी टक से स्क्रीनशॉट ले लो, टक टक स्क्रीनशॉट लेते रहिए, एकदम तुरंत तुरंत लीजिए, कहीं लेट करने का जरूरत नहीं है बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं ना, जितना जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे, जितने अच्छे से करेंगे, मजा आएगा। अब आप में इतना कैपेबिलिटी आ गया कि आप स्पीड में पढ़ सको, बढ़िया से पढ़ सको, है ना? तो थोड़ा तड़ातड़ खूब क्वेश्चंस करना है, खूब क्वेश्चंस करना है, ठीक है? चलो आ जाओ तीन नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तीन नंबर पे e पर पावर माइनस एक्स, उसके बाद है कॉसेक स्क्वायर 2e पर पावर माइनस एक्स प्लस 5 और अल्टीमेटली dx लगा हुआ है। मेरे भाई अब बात ये आ रही है कि सर किसको t माने? सिंपल सी बात है, इस अंदर वाले को t मान लो, तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? लेट कर लेना है t बराबर 2e पर पावर माइनस एक्स प्लस 5। जैसे ही तुम इसको t मानोगे ना, हमारा dt by dx क्या आ जाएगा बताइए? 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। e पे पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन, e पे पावर माइनस एक्स, एक तो एक्स्ट्रा माइनस लगा रहेगा और 5 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 0, ठीक है ना? तो हमारे पास dt by माइनस 2 e पे पावर माइनस एक्स आ गया dx के बराबर, ठीक? यहां तक का तो काम समाप्त है सर, यहां तक तो हमें वही करना है जो हम पहले से करते आ रहे हैं, है ना? तो हमने सिंपल dx की वैल्यू निकाल ली, कोई बहुत बड़ा कांड नहीं कर दिया हमने, कोई बहुत बड़ी मतलब काबिले तारीफ वाली काम नहीं कर दी, बस नॉर्मल नॉर्मल बातें हैं। अब क्या है, आ जाओ e पे पावर माइनस एक्स, उसके बाद हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर। भाई इसको तो t मान लिए थे ना, तो इसका रूप बदल गया, अभी था जॉनी लीवर, अभी कुछ और हो गया, है ना? तो भाई साहब इसको t लगा लो और यहां dx के जगह लगा लोगे dt by माइनस 2 e पे पावर माइनस x। बड़े गौर से देखो, ध्यान से देखो, e पे पावर माइनस x, e पे पावर माइनस x तुरंत कट जाएगा, माइनस 1/2 बाहर निकल जाएगा और कॉसेक स्क्वायर टी डी टी आपका निकल के चला आएगा। ये माइनस 1/2 ऐसे ही रहेगा। कॉसेक स्क्वायर टी की वैल्यू क्या होती है कोई बता सकता है? एकदम सर, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट टी प्लस सी। मेरे बच्चों ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा कॉट, और टी तुमने किसको माना है तो 2e पे पावर माइनस एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 लिख दोगे और यहां पे लिख दोगे प्लस सी। ये तुम्हारा तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया। टक से स्क्रीनशॉट ले लो और लेने के बाद इसको फिर हम लोग आगे लेके चलते हैं, ठीक है? चलो भैया आइए अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए हम लोग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखें, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। x स्क्वायर, उसके बाद है tan इनवर्स x क्यूब डिवाइडेड बाय मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस x पे पावर 6 dx। अब यहां पे भी कमाल की बात है,
इसमें किसको टी माने सर? देखो बच्चे देख ही कर डर जाते हैं कि बाप रे बाप, ऐसा खतरनाक सा क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है किंग कोबरा आ गया है सामने, एक तो मतलब बड़ी बहुत डेंजर है, कैसे होगा। अरे एकदम आसान है मेरे भाई, एकदम आसान दिख जाता है कितने बच्चों को, तो सामने दिख जाता है। आपको क्या करना है, आपको टी बराबर मान लेना है टैन इनवर्स एक्स क्यूब। बोलो कोई दिक्कत है? टैन इनवर्स एक्स क्यूब मान लिए, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो मेरे प्यारे बच्चों, डी टी बाई डी एक्स कर दो। अब तुम बताओ कि भाई साहब डिफरेंशिएशन ऑफ टैन इनवर्स एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? तो टैन इनवर्स एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स पे पावर 6, और एक्स क्यूब है तो उसका हो जाएगा 3x2। ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डी टी बाई डी एक्स। अब डिफरेंशिएशन तो तुमको पता है ना, अब इसको तो खोल के बताने की जरूरत है नहीं सर, इसको तो मैंने इतना बार देख लिया है कि भाई साहब पूछो मत, आबड़ा का डाबड़ा हो गया। नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो dt को लिख सकते हैं dt अपॉन 3x2, है ना, और ये पार्ट ऊपर चला जाएगा तो 1 + x पे पावर 6 इज इक्वल टू dx। बोलो मेरे प्यारे बच्चों सही बात है? बस dx निकल गया, सारा मेहनत हो गया हमारा। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे की काम करते हैं। सर जी ये क्वेश्चन है, तो जब ये क्वेश्चन है तो हम क्या करते हैं, x स्क्वायर को रहने देते हैं, tan इनवर्स x क्यूब को तो हमने t मान लिया था तो हम उसको t लिख देते हैं, और dx की वैल्यू हमने निकाल रखी है तो उसको भी लिख दो 1 + x पे पावर 6 dt / 3x2। अब देखो नीचे पहले से तुम्हारे पास एक बार 1 + x पे पावर 6 था, ये और ये कटेगा, एक्स स्क्वायर कटेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी बाई 3 डी टी चलाएगा। आपको पता है ये हो जाएगा t² / 6 + c। आपको पता है टी आपने किसको माना है, बस उसकी वैल्यू पुट कर दो टैन इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 + c, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर 4th नंबर क्वेश्चन का। तो बोलिए कोई दिक्कत है? मेरे को नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा, झटाक से इसको उतार लीजिए। 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, टक से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। क्या पता देखो आगे क्या होता है, पता नहीं क्लासेस खुलते हैं कि क्लासेस नहीं खुलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 21 के बाद से क्लासेस खुलने लग जाएं। अगर क्लासेस खुलने लग जाएंगे तो काफ़ी मजा आएगा, हम लोग ऑफलाइन क्लासेस करेंगे, ऑनलाइन भी क्लासेस मैं डालूंगा, ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी, हमेशा कंटिन्यू रहेगी। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी हम लोग को नहीं छोड़ना है, उस पर भी हम लोग वर्कआउट करेंगे, खैर ऑफलाइन पर तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों आ जाते हैं हम लोग अपने आज के 4th नंबर क्वेश्चन पे। क्या है सर 4th नंबर क्वेश्चन? काफ़ी ईजी, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर टैन एक्स, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है 1 + tan² x dx से। अब बात आती है सर कि यहां पे कौन सा तिकड़म बाजी लगा दिया जाए जिससे काम बन जाए। तो यहां पे बच्चे पहले कंफ्यूज रहते हैं कि करें तो क्या करें। देखो हर बार खाना परोस के मिल जा रहा था तो बड़े आराम से खाने में बहुत मजा आ रहा था, इस बार खाने को परोस के नहीं दिया गया, यहां पे तुम्हें खुद परोसना है, हर बार तुम्हें खाना परोस के मिलेगा? नहीं भैया, कभी तो मेहनत करोगे ना, बिना मेहनत के तो कुछ पॉसिबल नहीं है। नहीं तो आ जाओ भाई, क्या करना था यहां पर रूट अंडर टैन एक्स को जैसा है वैसा ही छोड़ देना है, कोई तिकड़मबाजी नहीं रूट अंडर टैन एक्स में। 1 + tan² x तुम जानते हो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, sec² x dx। तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आसानी से लिख सकते हो। अब tan x को t मान लो, तुम्हारा काम यहीं पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट कर लीजिए t इज इक्वल टू tan x। जैसे ही तुमने t को tan x माना, तुम्हारा dt बाई dx मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया बताओ, sec² x आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? sec² x एकदम आसानी से आ गया। अब बताइए क्या करेंगे सर, dt तो ठीक है, dt के बाद क्या लगा देना है, sec² x, और यहां क्या लगा देना है, dx। तो dx की वैल्यू निकल गई, सारा काम हो गया हमारा। अब क्या करेंगे बताओ, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन रूट अंडर tan x को तो t माने थे तो t ले लो, sec² x को जैसा का तैसा छोड़ो, और dx को हटा देना है किस चीज से, dt बाई sec² x से। मेरे प्यारे बच्चों sec² x और sec² x कट जाएगा और अल्टीमेटली √t dt चलाएगा।
अगर हम इसका तुमसे इंटीग्रेशन पूछे तो खुशी खुशी जवाब दे दोगे। तुमको पता है क्या होने वाला है? क्या होने वाला है बताओ? t पे पावर 3 बाई टू एंड 2 बाई थ्री प्लस सी, यही ना होगा? तो ये 2 बाई थ्री जिंदा है, t के जगह तुमने tan x माना था, tan x पे पावर 3 बाई टू लिख लो, प्लस सी कर दो, डब्बे में घेर के इस पे आंसर लिख दीजिए, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी दिक्कत के, कुछ नहीं, एकदम खूबसूरत खूबसूरत आंसर, कैटरीना कैफ माफी का आंसर आ रहा है, एकदम शानदार है ना। तो फटाक से इसको उतारिए, टक से स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ जाते अपने लोग। जल्दी करो बच्चों, जल्दी करो फटाफट, है ना। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है ना भाई साहब, ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी की भी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, है ना, ये फंक्शन हो गया और इसके ऊपर पावर एन, फिर दे रखा है एफ डैश ए एक्स प्लस बी और फिर डी एक्स, बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मतलब समझ लो कंगना रनावत है भाई साहब, एकदम सिंह राजपूत, एकदम खतरनाक, है ना। तो एकदम कंगना रनावत भाई छोड़ेंगे नहीं किसी को, चाहे कोई हो, तुम कुछ भी कर लो, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये। तो इनको सॉल्व कैसे करें? तो इनको बाल ठाकरे दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, राज ठाकरे बाल ठाकरे लोग जाएंगे तो इनके पास प्रॉब्लम हो जाएगा। इनको प्रेम व्यवहार से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? एकदम सिंपल है, हमने बताया था ना कि जहां पे तुमको किसी चीज पे पावर दिखे उसको मान लो टी। हमने लेट कर लिया कि हमारा जो टी है वो है एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करोगे मेरे प्यारे बच्चों, फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एफ डैश एक्स प्लस बी, ए एक्स का हो जाएगा ए, बोलो कोई दिक्कत, बी का हो जाएगा जीरो। तो हमारे पास हमारा डी टी जो है वो आ गया ए एफ डैश ए एक्स प्लस बी और ये किसके बराबर? डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू निकल गई, और अगर डी एक्स की वैल्यू निकल गई तो मेरा मैक्सिमम काम तो यही खत्म हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इंटीग्रेशन, इसको तो टी मान रखे थे, टी पर पावर एन, भाई जो है सो जैसा है वैसा छोड़ दो, और डी एक्स को रिप्लेस कर दिया गया मेरे प्यारे बच्चों डी टी ए एफ डैश ए एक्स प्लस बी, ये दोनों क्या हो गए? कट गए। तो क्या हो गया? 1 अपॉन ए टी पे पावर एन और यहां लग गया डी टी। अब तुम बताओ मेरे पालकों, 1 अपॉन ए रहा, टी पे पावर एन का इंटीग्रेशन टी पे पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस सी, भाई साहब 1 अपॉन ए, ठीक है, टी के जगह क्या होगा बताओ? एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी पे पावर क्या लग जाएगा? एन प्लस 1 और नीचे एन प्लस 1 प्लस सी। तो देखो तुम्हारा जो कंगना रनावत टाइप क्वेश्चन था, खतरनाक क्वेश्चन था, वो खतरनाक क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? अब टक से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में उतार लीजिए। चलिए बच्चों फटाक से कर लीजिए इसको। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, अपने आज के छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, सिक्स नंबर क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है साइन 2x डिवाइडेड बाय a प्लस b cos x और आई होप उसका नीचे क्या है, नीचे है भाई साहब होल स्क्वायर dx। अब आपको खतरनाक तरीके से बातें पता है, एकदम सिंपल बात पता है कि सर जैसे ही मेरे पास ऐसा कुछ मिल जाता है कि a प्लस बी cos x टाइप का कोई चीज मिल गया तो हम लोग क्या कर देते हैं, और उस पे पावर है ना, देखो नीचे वाले पे पावर है तो जिस पे पावर होता है क्या हमें उसी चीज को t मानना होता है कि उसको t नहीं मानना होता है? मेरे को सिंपल सिंपल बता दो सर जी, जिस पे पावर होता है हम उसी को t मानते हैं। आ जाइए एकदम आराम से, लेट t इज इक्वल टू a प्लस बी cos x, बोलो हाँ या ना, एकदम हाँ सर जी। अब बताओ डी टी को डी एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे तो ए का डिफरेंशिएशन तो जीरो आ जाएगा और बी भी रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन मेरे प्यारे बच्चों माइनस sin x आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, आई होप हाँ, ठीक है। तो देख लो यहां पे डी टी बाई डी एक्स मेरे प्यारे बच्चों माइनस बी साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, और इस डी टी को हम लिख सकते हैं माइनस बी साइन एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बिना किसी दुख तकलीफ
के। जब ये हो गया जस्ट रिप्लेस दी वैल्यू, रिप्लेस कर देना है। साइन 2x को लिख दो मेरे प्यारे बच्चों 2 sin x into cos x, नहीं तो घोर अन्याय, घोर अन्याय, पाप हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? यहां पे आ जाएंगे शक्ति कपूर, है ना। आ जाओ, a प्लस बी का cos x हमने t माना था, t स्क्वायर लिख दो, और हमने dx को रिप्लेस कर देना है dt डिवाइडेड बाई माइनस बी sin x से। मेरे भाई sin x कट गया, माइनस 2 बाई बी जो है माइनस 2 बाई बी कॉन्स्टेंट होने के वजह से बाहर निकल गया। cos x को t लिखा जा सकता है, नो t नहीं लिखा जा सकता है, t माइनस a बाई बी लिखा जा सकता है, t माइनस a बाई बी लिखा जा सकता है, नीचे पहले से t स्क्वायर है, ये dt हो गया। अब बताओ माइनस 2 बाई बी हो गया, यहां ध्यान से देखेंगे तो t माइनस a बाई बी t स्क्वायर है, इसको अलग अलग करो और इंटीग्रेट कर लो। माइनस 2 बाई बी अलग, t बाई बी टी स्क्वायर अलग, माइनस ए बाई बी टी स्क्वायर अलग, और दोनों को इंटीग्रेट करिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद का इंटीग्रेशन आपको पता है, ठीक है ना बच्चों। तो टक से इसका भी स्क्रीनशॉट लो। आगे के 7वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। उतार लीजिए, अब तो इतना तुम मच गए हो ना इस एक्सरसाइज में कि पूरा क्वेश्चन बना सकते हो। कल मैंने 30 तक दिया था, आज उसके आगे दे दूंगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा अपना, है ना। चलिए बच्चों, नेक्स्ट लेवल 2 के क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं बच्चों। लेवल 2 के क्वेश्चन पे अब हम लोग इंटर कर चुके हैं। अभी तक लेवल 1 का क्वेश्चन चल रहा था, गरीब गरीब हल्का फुल्का क्वेश्चन चल रहा था। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं लेवल 2 के, देखने में लगेगा अरे बाप रे अब क्या करें, लेकिन है एकदम आसान, ठीक है। आ जाओ, तो हमने 6ठा नंबर क्वेश्चन किया, अब हम बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की, ठीक है ना बच्चों। देखो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या, अपना ये क्वेश्चन तुम लोग को डिफरेंशिएशन में भी परेशान किया था। 2 पे पावर 2 x इंटू, अगेन हमारे पास है 2 पे पावर 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर x dx। अब बात आती है सर माने तो किसको माने, ये क्वेश्चन तो साला डिफरेंशिएशन में भी माथा खराब करके रखे थे, एकदम तबाह हो गए थे इस क्वेश्चन से हम लोग। भैया कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा अगर सिंपल क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में परेशान करके रखे हुए था, तकलीफ दे के रखे था, तो कौन सा बहुत बड़ा वादा गया। अगर ये वासे पूरा तो तुम मिर्जापुर हो, तुम कौन सा कम हो, ठीक है। तो आ जाओ इस चीज को हम लोग आगे लेके चलते हैं। लेट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों t बराबर 2 पे पावर 2 पे पावर 2 पे पावर x। अब इसको डिफरेंशिएट करो, dt बाई dx करोगे तो 2 पे पावर फलनवा का डिफरेंशिएशन 2 पे पावर फलनवा तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ ln 2 लग जाता है, फिर इंटू फलनवा पे फिर 2 पे पावर फलनवा, तो 2 पे पावर 2 पे पावर x होगा, लेकिन अगेन ln 2 लग जाएगा, फिर 2 पे पावर x का करेंगे तो 2 पे पावर x होगा और ln 2 लग जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास आ गया 2 पे पावर 2 पे पावर 2 पे पावर x अगेन 2 पे पावर 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर x, और लास्ट में क्या लग गया ln 2 का क्यूब लग गया। बोलो कोई दिक्कत है, ये हमारा हो गया dt, और अगर हम इन सब चीजों को dx से मल्टीप्लाई कर दें तो मजा आ जाए। अब ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों कि इतना दूर अगर dx से मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, तो आ जाएगा dt बाई ln 2 का क्यूब आ जाएगा। देखो देखो तो आएगा कि नहीं आएगा, अगर हम इस ln 2 के क्यूब को नीचे ला दें तो इतना मल्टीप्लाइड इसके बराबर आएगा, तो हम इस पूरे को हटा के लगा सकते हैं dt डिवाइडेड बाई ln 2 का क्यूब। अब आप देखोगे कि 1/ln 2 का क्यूब कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ गया और इंटीग्रेशन सिर्फ 1 का बच गया। आपको पता है इसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा नीचे ln 2 का क्यूब। t की वैल्यू आप लेट कर चुके हो क्या, 2 पे पावर 2 पे पावर 2 पे पावर x, यहां प्लस c लगा दो, आंसर आ गया। समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन देख के डरना नहीं है भैया, वेशभूषा तो इनका खतरनाक है, ऐसा लगेगा कि अमिताभ बच्चन खोलोगे तो राजपाल यादव दिखेगा। समझ लो बात को, तो है वैसा डेंजरस टाइप का, लेकिन आसानी से बन जाएगा, ठीक। तो 7th नंबर क्वेश्चन भी आप अपना फटाक से उतार लीजिए, टक से स्क्रीनशॉट लो और आगे का काम बढ़ा लो। चलो बढ़िया बच्चों, 7वां नंबर क्वेश्चन भी हमारा बन ही गया, है ना। आगे आते हैं, लेवल 2 का ही क्वेश्चन है। अब सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, खतरनाक खतरनाक, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम लोगों का आठवां नंबर क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी समझ लो, कंगना रनावत। एनसीईआरटी बोले तो कंगना रनावत समझ लो, एनसीईआरटी माने खतरनाक है ना, एकदम खतरनाक। क्या है भाई साहब इसमें, तो वन अपॉन रूट अंडर, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है समझ जाना है ना, साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा और यहां पे लगा दिया गया है डीएक्स। अब हमसे बोल रहा है कि भाई साहब इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ कि क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। कमाल की बात भाई, बड़ी खतरनाक क्वेश्चन दे दिया ना, देख रहे हो कितना डेंजरस क्वेश्चन दिए हुए, लेकिन क्या करेंगे, बनाना तो खैर है, आइए बनाते हैं। सॉल्यूशन करने चले भाई साहब हम लोग, है ना। सॉल्यूशन क्या करना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। एक छोटा सा काम हम लोग इसमें कर सकते हैं सॉल्यूशन के तौर पे, है ना, कि जैसे एक काम करते हैं, है ना, देखो इसको कुछ दिमाग लगाया जाए और कुछ तोड़ताड़ किया जाए इसके साथ, है ना। तो एक काम करो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ वन रूट अंडर, थोड़ा लंबा लेके चलते हैं, है ना, यहां पे हम लोग लिख देते हैं साइन क्यूब एक्स, ठीक। साइन एक्स प्लस अल्फा को अगर तोड़ा जाए तो बताइए क्या लिखा जा सकता है, साइन एक्स प्लस अल्फा को लिखा जा सकता है साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा। बोले ये चीज लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, एकदम सिंपल। अरे साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पे तोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होगा कि नहीं होगा, एकदम होना है सर, नहीं होने का तो सवाल ही नहीं है। अब क्या करना है कि आपको इस दोनों में से साइन एक्स जबरदस्ती कॉमन निकाल लेना है, समझिएगा मेरे बात को, दोनों ही में से साइन एक्स को जबरदस्ती कॉमन निकाल लेना है। साइन क्यूब एक्स तो पहले से है, आपने क्या किया दोनों में से साइन एक्स को बाहर निकाल लिया। जैसे ही साइन एक्स का बाहर निकाला, यहां से तो भैया कॉस अल्फा बचा, लेकिन यहां पर साइन एक्स तो था नहीं, तो ये cos x बदल जाएगा मेरे भाइयों cot x into sin अल्फा में, तब जाके हमारा sin x बाहर आएगा। ये sin x जब इसके साथ मल्टीप्लाई, यहां dx लगा दो, यहां dx लगा दो, ये sin x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 1 अपॉन रूट sin x into, बताओ क्यूब है एक और मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया sin 4x, और ब्रैकेट में क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों cos अल्फा प्लस cot x into sin अल्फा, और यहां क्या लगा देंगे dx लगा देंगे। अब बताइए ये साइन फोर अल्फा अगर बाहर निकलेगा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो सकता है, आप खुद बता दो ध्यान से गौर से, क्या निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन साइन स्क्वायर एक्स रूट अंडर, बताइए क्या हो जाएगा, सिंपल सिंपल कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा डीएक्स। अब इसको बनाना एकदम आसान, हलवा हो गया, पूछो कैसे, ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा बताओ कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और नीचे बचेगा रूट अंडर कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा। सिंस ये कंगना रनावत टाइप क्वेश्चन है तो हैरान तो करेगा। अब आपको नीचे वाले को खाली टी मान लेना है, नीचे वाला टी मान लोगे तुम्हारा सारा काम बन जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा को आप टी मान लीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। डी टी बाई डी एक्स कॉस अल्फा का डिफ्रेंसिएशन जीरो, उसके बाद साइन अल्फा बाहर निकाल देंगे, कॉट अल्फा कॉट एक्स का तुम्हारा हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। यहां से डी टी बाई माइनस साइन अल्फा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक, यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को हटा के लिखा जा सकता है डी टी अपॉन माइनस साइन अल्फा, और यहां वन अपॉन रूट अंडर सीधे सीधे टी आ गया। अब आप बताओ वन माइनस माइनस में साइन अल्फा बाहर, और टी पे पावर माइनस वन बाई टू का इंटीग्रेशन आपको आता है ना जी, बस इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए और आपका आंसर आपको मिल गया, एकदम सिंपल सा, टक से स्क्रीनशॉट ले लो और अपना काम आसानी से कर लो। चलो बच्चों फटाक से इसको उतार लीजिए, तो प्लीज टक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आठवां नंबर क्वेश्चन भी आपका बन गया। ये कंगना रनौत थी भाई साहब, है ना, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन थी, है ना, समझ रहे हो ना बात को, कहानी बहुत इनकी दमदार थी, अभी भी दमदार है, ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी अभी भी जोड़ लगाए रहता है, जान जाओ। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नौवां नंबर हमारा जो क्वेश्चन है काफी दमदार और काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, एक्स पे पावर फोर
माइनस एक्स पे पावर 1/4 और इसको डिवाइड कर दिया गया ना मेरे प्यारे बच्चों एक्स पे पावर 5 डीएक्स है। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर इसको, सिंपल सी बात है, कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है, एकदम कुछ नहीं करना है। आप क्या करिए कि x पे पावर 4 को रहने दो, माइनस x को रहने दो, अंदर x पे पावर 4 ले जाओ, इस सब पे पावर 1/4 चढ़ा दो, तो आपको दिखेगा कि ये तो ऊपर वाला ठीक है लेकिन नीचे वाला x बाहर निकला तो यहां पे x पे पावर 4 बच गया और यहां dx लगा दो। बोलो क्लियर है, एकदम सिंपल, कोई कॉन्सेप्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे सजा के लिख सकते हैं कि नहीं सर, एकदम लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद x पे पावर 4 बाई x पे पावर 4 अलग, माइनस x अपॉन x पे पावर 4 ये भी अलग, और इस पे पावर है 1/4 इंटू 1/x पे पावर 4 dx अलग हो गया। अब आप क्या करामात देखोगे, x पे पावर 4 कट गया और x ये कट गया, तो हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन में 1 माइनस 1 अपॉन x क्यूब और उस पे पावर 1/x पे पावर 4 एंड देन 1 अपॉन x पे पावर 4 dx। अब आप क्या देखोगे कि एक चीज पे पावर है दूसरे पे नहीं है, तो 100% जिस पे पावर है उसको क्या मान लेना है, t मान लेना है। तुरंत ही बिना देर किए, विलंब नहीं करो, बिना विलंब किए t बराबर 1 माइनस x क्यूब मान लीजिए। जैसे ही मानोगे मेरे प्यारे बच्चों dt/dx क्या आ जाएगा, 0 और प्लस 1 अपॉन x पे पावर 4 यहां 3 लगा दो। बोलो क्लियर, यानी dt/3 जो है वो dx/x पे पावर 4 हो जाएगा। तो dx/x पे पावर 4 को dt से रिप्लेस कर देंगे, इसको तो t पे पावर 1/4 कर दिए और किससे रिप्लेस कर दिए, dt/3 से। अब बताओ 1/3 बाहर निकल गया, आप बताओ क्या तुमको t पे पावर 1/4 dt का इंटीग्रेशन नहीं आता है, इंटीग्रेशन करो और t को जो माने थे क्या माने थे उससे रिप्लेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस फटाक से इसको बना लीजिए, टक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग आगे पढ़ जाते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये अपना 9 नंबर क्वेश्चन था। देखो इसके बाद जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एग्जांपल्स के हो या फिर नहीं हो, जैसे एग्जांपल 9 तुम्हारा बचा है, एग्जांपल 10 बचा है, एग्जांपल 12 बचा है, ये सारे क्वेश्चन आप अपने से कर सकते हो। तो एक बार आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, और एक्सरसाइज 18.9 का 30 तक हमने क्वेश्चन दिया था, 31 नंबर से लेकर 72 नंबर तक के क्वेश्चन को आप फिर से एक बार पूरा बनाइए 31 से 72। कल उसका अगर कोई डाउट होगा तो बताना, मैं डाउट में इंक्लूड कर लूंगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 18.10 को बनाने के कॉन्सेप्ट, और 18.10 काफी छोटा है, ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 8-9 एग्जांपल्स हैं और 10 क्वेश्चन है बस, है ना, तो काफी आसान है। कल तक में 18.10 आई होप खत्म हो जाएगा, कुछ आज और कुछ कल खत्म हो जाएगा। तो क्या है 18.10 का कॉन्सेप्ट, ये समझते हैं। और एक और चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं, 18.10 के बाद आपका एग्जाम होगा, आपका टेस्ट होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जामिनेशन। वो आपकी एग्जाम होगी सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का, एक्सरसाइज 18.10 तक। कैसे होगा, क्या होगा, ये हम लोग तुमको अगले वीडियो में, जब 18.10 खत्म हो जाएगा तो उस वीडियो में हम लोग इसका डिटेल आपको प्रोवाइड करा देंगे, उसकी चिंता एकदम मत करिए। कुछ डिटेल मैंने कल के क्लास में दिया है आप लोगों को, आप लोगों ने देखा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला अपना है जो 18.10, देखते हैं भाई सर क्या कहता है। देखो कहता है कि सर अगर मेरे पास मान लीजिए ऐसा सिचुएशन आ गया, ऐसा खतरनाक सिचुएशन आ गया कि इंटीग्रेशन करना पड़ गया हमको पीएक्स का, है ना, किसी पॉलिनोमियल का, लेकिन कहानी यह है कि पॉलिनोमियल के नीचे ax प्लस बी पे पावर n एज ए डिवाइड के रूप में है, और तब हमको करना पड़ रहा है इसका इंटीग्रेशन, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, कुछ दिमाग नहीं लगाते हैं, सिर्फ इतना जान जाओ कि आप ax प्लस बी को t मान लो, आपका सारा काम हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, ax प्लस बी को t मान लेना है। कैसे कैसे, ये मैं तुम लोगों को समझा रहा हूं, ध्यान से देखो कैसे बनाओगे। मान लो कि तुम्हारे पास इस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन था
एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स प्लस टू। अब मेरे प्यारे बालकों कैसे बनाओगे? नॉर्मल, यहां डिवीजन रूल तो लगना नहीं है, डिवीजन रूल लगा नहीं सकते हो। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है नहीं कि फॉर्मूला पे डायरेक्ट इसको बना बैठा के बना लो। तो आखिर बनाओगे तो कैसे बनाओगे ये तो सोचना पड़ेगा ना। तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, एकदम सिंपल। जो ये नीचे देख रहे हो ना एक्स प्लस टू रूट अंडर पावर इस पे दिया हुआ है, तो आराम से आप टी बराबर एक्स प्लस टू मान लो, ठीक है। जैसे ही तुमने टी बराबर एक्स प्लस टू माना, तुम एक्स को कह सकते हो ना टी बाई टू, एकदम सर। अब जरा डिफरेंशिएट कर दो, अगर आप डी टी बाई डी एक्स कहेंगे तो आपका डी टी बाई डी एक्स वन आ जाएगा, तो यहां से तुम्हारी डी टी हो जाएगी डी एक्स के बराबर। बोलो डी टी और डी एक्स बराबर हो जाएगा, तो डी टी लिखो या डी एक्स लिखो बात सेम है। अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर नहीं लिखना है, एक्स की वैल्यू क्या लेके आए हो, टी माइनस टू, तो लिख दो टी माइनस टू का होल स्क्वायर। डी एक्स को डी एक्स नहीं लिखना है, डी टी लिख देना है, और नीचे क्या लिखोगे, रूट अंडर टी। अब इसको करना इसके कॉम्पेरिजन में आसान हो गया, कैसे देखिए, ऊपर टी माइनस टू का होल स्क्वायर है, क्या लिखोगे टी स्क्वायर लिखोगे, प्लस क्या लिखोगे फोर लिखोगे, माइनस क्या लिखोगे फोर टी लिखोगे, और इसको डिवाइड कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों रूट टी डी टी से। अब क्या करेंगे, हमारा जो टी है इस पे पावर हो जाएगा थ्री बाई टू, यहां प्लस फोर है इस पे पावर हो जाएगा माइनस वन बाई टू, और यहां देखोगे तो माइनस फोर टी पे पावर वन बाई टू, और क्या लग जाएगा डी टी, टी पे पावर थ्री बाई टू का हो जाएगा टी पे पावर फाइव बाई टू एंड टू बाई फाइव। बोलिए कोई दिक्कत। उसके बाद 4 यहां बाहर निकालेंगे, हाफ का तो तुमको पता ही है 2 टी पे पावर 1 बाई टू, और यहां 4 पे हो जाएगा 4 इंटू 2 बाई 3 टी पे पावर 3 बाई टू प्लस सी। जहां जहां टी है वहां वहां क्या रख दोगे, क्या रख दोगे एक्स प्लस टू रख दोगे, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना मेरे बच्चों, दिल लगा लो इस बात से, एकदम दिल लगा लो, खतरनाक धक धक करना चाहिए, दिल क्या लगा लेना है कि भाई नीचे वाला ए एक्स प्लस बी को क्या मान लेना है टी, उसके बाद अपने आप तुम्हारा सॉल्व होने लगेगा। ए एक्स प्लस बी को टी मान लो और एक्स को भगा देना है, बस कहानी यही है, तुम्हारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट तुमको पता है, टक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। डू इट फास्ट बच्चों, जल्दी कर लो। आइए मिटा दिया जाए, चलिए। अबे स्क्रीनशॉट लेने में कितना टाइम लगता है, बहुत कम समय लगता है ना। चलिए जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आ गया, इस टॉपिक का दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया, वैसे इसी टॉपिक का ये दूसरा है, पहले के टॉपिक का नहीं है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर रूट अंडर वन प्लस एक्स, बताओ क्या करोगे। हालत खराब कर रहा है ना, क्या करोगे इसमें, दिक्कत करेगा ना, बहुत दिक्कत करेगा। क्या करना है, कुछ नहीं, वन प्लस एक्स को मेरे भाई टी मान लो। जैसे ही तुम वन प्लस एक्स को टी मानोगे, तुम्हारे एक्स की वैल्यू टी माइनस वन आ जाएगी, यहां पे लिख लो लेट। अब डिफरेंशिएट करो डी टी बाई डी एक्स, वन आएगा तो डी टी की वैल्यू डी एक्स, तो जो डी टी की वैल्यू वही डी एक्स की वैल्यू, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब जरा क्वेश्चन आओ, एक्स स्क्वायर को क्या हम एक्स लिखेंगे, कदापि नहीं, टी माइनस वन का होल स्क्वायर लिखेंगे, टी माइनस वन का होल स्क्वायर, रूट वन प्लस एक्स को रूट टी और डी एक्स को डी टी। जस्ट सॉल्व इट, क्या करना है बताओ, यहां टी स्क्वायर हो गया, यहां माइनस वन हो गया, सॉरी प्लस वन हो गया, और फिर हो गया माइनस टू टी, और हमने इसको गुना कर दिया रूट टी डी टी से। भाई साहब टी पे पावर फाइव बाई टू का इंटीग्रेशन अलग, उसके बाद टी पे पावर वन बाई टू का इंटीग्रेशन अलग, और माइनस टू बाहर निकाल लो तो टी पे पावर थ्री बाई टू का इंटीग्रेशन अलग। अब सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करो और टी के जगह वन प्लस एक्स रख दो, तुम्हारा काम यहीं कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो एक्सरसाइज 18.10 का श्री गणेश हो चुका है, हमने उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, उस पे बेस्ड दो क्वेश्चन बना लिए, और कल के क्लास में हम लोग 18.10 को समाप्त भी कर देंगे, खत्म भी हो जाएगा, और कल ही के क्लास में मैं आपको टेस्ट का डिटेल दे दूंगा। तो आई होप आज की क्लास में भी आपको मजा आया होगा, ऐसे ही मजे से पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और आज का होमवर्क जरूर बनाइए, 18.19 का क्वेश्चन पूरा का पूरा
चलिए अच्छे से रहो, घर पे रहो, खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो, अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।